Assalamualaikum, welcome to my channel. आज मैं बताने जा रही हूँ चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल. चिकन टिक्का स्प्रिंग रोल के लिए मैं ली हूँ 400 ग्राम बोनलेस चिकन और इसको मैं बारीक स्ट्रिप्स की शक्ल में कट कर ली. अगर आप सिर्फ चिकन टिक्का बनाना चाहें तो मोटे क्यूब्स की शक्ल में 2 इंच के टुकड़े कट करना. ये स्प्रिंग रोल में लगाना है इसलिए मैं बारीक बारीक काटी. चलिए सबसे पहले इसको मैरिनेट कर लेंगे. इसमें डालूंगी मैं 1.5 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पूनफुल लाल मिर्ची और ये 2 टीस्पूनफुल अदरक लहसुन. चलिए ये 2 टीस्पूनफुल नहीं था अदरक लहसुन और 1 टीस्पून था और 1 टीस्पून ऐड करें. अब इसमें डाल रहे हैं धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, जीरे का पाउडर 1 टीस्पून और चाट मसाला 1 टीस्पून. धनिया और जीरा रोस्ट करके पाउडर बना के रख ली. और कसूरी मेथी है 2 टीस्पून और इसको मैं थोड़ा पानी में डाल के निकाल ली. थोड़ी इसमें क्रिक थी इसलिए पानी में डाल के निकाल ली मैं. अब इसको अच्छे से मिला लेंगे. थ्री टेबल स्पून गाढ़ा दही रहना, पानी नहीं रहना इसमें. और इसको बीट करके फेंट के मिला लेंगे. फेंट के इसमें मिला लेंगे. और इसमें थोड़ा सा मैं फूड कलर डाल रहा हूँ, रेड फूड कलर. ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं या चाहे तो स्किप कर सकते हैं. अब इसको अच्छे से मिला लेंगे. चलिए मैं अच्छे से लगा लिया. अब इसको ढाप देंगे. ढाप के आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे. चलिए चिकन को मैरिनेट के लिए आधे घंटे के लिए रखे थे, आधा घंटा हो गया और चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया. इसको पकाने की तैयारी करेंगे. चलिए मैं कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म हो गई. इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल. ऑयल ज़्यादा डालना नहीं है, इसको चिकन की फीलिंग करना है इसलिए. और इसमें डालेंगे चिकन. एक 2 से 3 मिनट तेज फ्लेम पे मिलाते हुए पका लेंगे. 2 से 3 मिनट तेज फ्लेम पे पका लेंगे. चलिए 2 से 3 मिनट तक मैं तेज फ्लेम पे पका लिया. और इसमें से चिकन का और दही का पानी छूटा, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और ये एक लेमन का जूस है, ये एक है छोटा रहने से एक डाली. अगर बड़ा रहा तो आप आधा डाल सकते हैं. इसको अच्छे से मिला लेंगे. बड़ा लेमन रहा तो आधा ही डालें. और इसको ढाँप के एक 5 से 7 मिनट के लिए हम धीमे पे छोड़ देंगे. चलिए 5 से 7 मिनट के लिए मैं धीमे पे रखी थी. 5 से 7 मिनट हो गए. अगर चिकन आपका और बड़ा है, पीसेस बड़े हैं या घट है तो आप 10 मिनट भी धीमे पे रख सकते हैं. चलिए फ्लेम को अब मैं तेज़ कर दी. तेज़ फ्लेम पे इसका पानी सुखा लेंगे. जब तक हम इस एक लाई की तरह घोल बना के रख लेंगे स्प्रिंग रोल के लिए लगाने के लिए. चलिए लाई बना ली मैं. मैदे की 2 टीस्पून मैदा ली और इसकी लाई बना ली. ज़्यादा पतला भी नहीं लेना, ज़्यादा घट भी नहीं रहना. इसको साइड में रख लेंगे. चलिए इसका पानी को ड्राई कर लेंगे और थोड़ा सा अच्छा ड्राई कर लेंगे. पीसेस को मिलाते हुए थोड़े से इसके टुकड़े पीसेस, बड़े पीसेस है जो लंबे, इसके छोटे छोटे पीसेस मिलाते हुए कर लेंगे. चलिए अच्छे से ड्राई हो गया और फ्लेम को बंद कर दी और इस पर चारकोल का स्मोक देंगे. चारकोल का
स्मोक ख़त्म हो गया, ये निकाल के चिकन को निकाल कर ठंडा करने रख देंगे, उसको ठंडा कर लेंगे। चलिए चिकन टिक्का जो रेडीमेड मिलते समोसा स्प्रिंग रोल्स के शीट्स मैं वो ली, और स्वीट्स का चलिए चिकन टिक्के को मैं 2 टीस्पून डाली, और अगर इसके पीसेस बड़े रह गए तो छोटे करके डालिए, रोल बनने आसानी होती है। इसको पलटा लेके अपनी तरफ टाइट दबाते हुए इसको फोल्ड करेंगे। टू टीस्पून के करीब डाले हुए, आप अपने हिसाब से डाल सकते चिकन। इसको ऐसा मोड़ के अपनी तरफ करते हुए दबाते हुए फोल्ड करेंगे। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। इस तरह मैं सारे बना के कपड़ा डाल के रख दिया, गर्मी से तड़क जाते हैं। अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ऑयल ठंडी में ऑयल गरम हो रहा, मीडियम गरम रहना, ज़्यादा भी गरम नहीं रहना और बिल्कुल ठंडा भी नहीं रहना। मीडियम गरम होते ही फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए ऑयल मीडियम गरम हो गया, इसमें तलना शुरू करेंगे। एक साइड होते ही एक साइड को पलटा देंगे। चलिए फ्राई हो गए, निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। नूडल्स तैयार हो गए बनके, और माशाल्लाह इतने बहुत से बने, हाफ़ के जी से भी थोड़ा सा कम चिकन में, और अच्छे टेस्टी बने। चलिए मेरी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।